साइड में साइड में आप लोगों को मेरा फोन काटने है हमारा वही अच्छा वही बैठे बंदा है चार दिन लग रहा एमएसपी की मांग को लेकर के वो जाम जो है वो नियम साथियों वीडियो को शेयर करें रोड है ये लाइफ लाइन है कंट्री की मीडिया से कनेक्ट करने के लिए और इसको जब हित में फ्री फ्लो के लिए जो है ओपन रखना यानी खुला रखना इसमें कोई जाम जो है वो नहीं होना चाहिए ट्रैफिक के लिए भाई रोटेट करके लाइव थोड़ा चलेगा होना चाहिए और इसको जो है पब्लिक लाइव तो सीधे फोन में चलेगा तुरंत जो है वो करवाया जाना आवश्यक है यार तक क्या इसकी कंप्लायंस में प्रशासन के द्वारा आप सब लोगों से हमने माननीय प्रधान जी सुशांत सिंह चढ़ोनी जी को भी ये ऑर्डर जो है वो दे दिया उनके किसान संगठन के जो यूनियन के हमारे भाई है उनको भी जो है ये ऑर्डर शामिल करवा दिया है और उन्होंने ये ऑर्डर जो है हमारे से ले भी लिया है तो आपसे जो है पुनः प्रशासन के माध्यम से हम अनुरोध यही कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश है वो उनकी अनुपालना करना हम हमारा सबका कर्तव्य बनता है तो मैं पुनः जो है प्रशासन की तरफ से आप लोगों से सदर अनुरोध करता हूँ कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए ये जो बिजनेस कमेटी को जो कि अवरोधित कर दिया गया है इस पे प्लीज जो है सारे अवरोध और आपकी जो भी मांगे हैं उसको सरकार के स्तर पे बातचीत के माध्यम से जो है वो सुलझा ली जाए सुने मेरा सभी किसान भाई प्रधान जी से किसान यूनियन के संगठन के हमारे जो भाई हैं उनसे अनुरोध यही है कि माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश है उनकी अनुपालना के लिए ये बहुत आवश्यक हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि तुरंत जो है इसमें जो अवरोध लगा दिए गए हैं उसको रोक दिया गया है आपका तो तुरंत चर्चा करवा दिया है बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंकल ये भी बात नहीं कर सकते हाँ जी रोटेट करके चल जाएगा लाइव ठीक है साथियों प्रशासन का कोई जवाब नहीं आया प्रशासन का कोई जवाब नहीं आया प्रशासन ने फिर यही बोला प्रशासन आपके बीच में आया था जो ग्रॉस स्विच करके गया है वो मैं आपको बता देता हूँ वो एक हाई कोर्ट का ऑर्डर लाए हैं पुराना ऑर्डर है ये राजेश में ये खड़े हैं उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि ये सिटी रोड जो है ये लाइन लाइन है इसको आप जो है वो बंद नहीं कर सकते उसको बनवाया जाए तो वो तो हमेशा के लिए ही है ये ऑर्डर लेके आए जो वो आपको बना रहे सुना रहे ये तो हमेशा के लिए ही है कि सिटी रोड को बंद नहीं कर सकते बंद करोगे तो मुकदमे दर्ज होंगे विनोद भाई लेकिन सवाल इस चीज का है आईडी कि उसी हाई कोर्ट में हमने 2013 में
एक रीट निकाली थी और माननीय हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि हमें एमएसपी सरकार नहीं दे रही है, हमें एमएसपी दिलवाया जाए और उसमें 100 से ज्यादा उसकी तरीके पड़ चुकी हैं और उसमें बहुत से ऑर्डर हो चुके हैं, बहुत सी सुनवाइयां हो चुकी हैं, लेकिन फाइनल ऑर्डर जो है कि भी हाँ वो सरकार को ऑर्डर दें, हरियाणा पंजाब और केंद्र तीनों सरकार में पार्टी है और कोई सरकार ने भी बड़ी बात कोई सी सरकार ने भी हाई कोर्ट में जाके ये नहीं कहा कि खरीदना हमारा हक नहीं है या खरीदना हमारा बनता नहीं है या ये किसानों का हक नहीं है। एक भी सरकार ने अपने किसी भी जवाब में ये नहीं कहा। भाई केंद्र सरकार ने कहा स्टेट का मैटर है, स्टेट सरकार ने कहा रेट केंद्र तय करता है, खरीदता केंद्र, सेंट्रल सरकार ने उस ऑर्डर में एक और बात सर नहीं लाइव हो रहा भाई, लाइव हो रहा है यार, कि इन्होंने कहा था हमारे पास पैसा नहीं है, सेंटर ने पैसा देने की बात भी की थी, स्टेट सरकार ने उसमें एक और बात कही थी कि हमें घाटा पड़ता है, एमएसपी से बाजार का रेट कम है, शायद कहा था ना, और उस केस के अंदर पड़ता है उतना केंद्र सरकार देगी और आज ये हमें हाईकोर्ट की धमकी दे रहे हैं। साथियों कनेक्शन कट रहा है बार बार, यहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो जो हमने 10 साल पहले केस किया था स्टेट सरकार को हाईकोर्ट में जाके उसका जवाब देना चाहिए कि हम नहीं खरीदेंगे, ये जवाब दे मैंने हाईकोर्ट में जाके। जब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था हरियाणा सरकार से, तब हरियाणा सरकार को जवाब देना चाहिए था कि हम नहीं खरीदेंगे, तब तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। मेरे नाम से कह सर, तब तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साथियों हमारा साफ तौर पे कहना है कि अगर हाई कोर्ट सरकार को आदेश करता है, पीछे भी एक आदेश आया था जिस दिन धान के लिए यहां बैठे, उस दिन भी एक आदमी ने रिट डाली थी और उस दिन भी ये आदेश आया था, लेकिन उस आदेश के अंदर हाई कोर्ट ने साफ तौर पे लिखा था कि वो कारण देखा जाए जिस कारण की वजह से किसान सड़क में बैठे हैं। ये भी हाईकोर्ट ने कहा, तो आज जो हाईकोर्ट के नाम पर ये बल प्रयोग करना चाहती है कि सरकार जो पर्चे में रहे, सरकार के की बदनामी ना हो, ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये ऑर्डर सरकार नहीं दे रही है, बल प्रयोग करने का ऑर्डर सरकार नहीं दे रही है, ये ऑर्डर तो हाईकोर्ट दे रहा है, ये उस ऑर्डर को सरकार की धार बनाना चाहती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसी हाईकोर्ट के अंदर हरियाणा सरकार ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम नहीं खरीद सकते, हमारा खरीदना खरीदने की कोई ड्यूटी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं कहा और उसी मुद्दे में हम सड़क में बैठे हैं। तो इसलिए साथियों हमारा क्लियर जवाब है कि हाई कोर्ट का ढाल ना बनाए, अपनी मर्जी से स्वयं को प्रयोग करना करे, ये लट प्रयोग करे, ये गोली प्रयोग करे, जो प्रयोग करना है करे, हमारी तरफ से साफ है कि हम आज जान हथेली के रख के बैठे। जिंदाबाद। हम आज चांद हथेली पे रख के बैठे हैं, ये फल प्रयोग करेंगे, आप लोगों ये उठाएंगे, प्रशासन फिर आ गया साथियों, एक दूसरे को चपड़ी पाले नहीं है, किसी ने धक्का किसी ने पुलिस होने से कोई जिरास्ती नहीं करनी, लेकिन हमने उठ के भी नहीं जाना, सीट के पसीट के ले जाए तो अलग बात है। और
इसके साथ साथ उसके साथ साथ दूसरी व्यक्ति ने ये है कि जब ये बल प्रयोग करे उसका रिएक्शन हम सब अपने हरियाणा के भाइयों से पंजाब के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करते हैं जैसे ये यहाँ से हमारे साथ बल प्रयोग करे तो तुरंत जो है वो सब जगह जाम लग जाना चाहिए। देश का धर्म है आज सब आदमी किसानों के साथ में खड़े होना और हम पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। देखिए आपको पहले चेतावनी दी गई थी कि आप 15 मिनट के अंदर ये रोड जो है खाली कर दें। हाई कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी आप द्वारा रोड को खाली नहीं किया गया। हमने आपको जो है यह आदेश दिए जाते हैं कि आप इस रोड को तुरंत खाली कर दे। आपको 5 मिनट का समय जो है वो दिया जाता है, आपके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाएगी। एक बार सुन ले, पहला जाम लगना शुरू हो गया साथियों। 5 मिनट का समय दिया है, 5 मिनट का समय दिया है रोड खाली करने के लिए। सभी साथी तैयार रहे, जैसे ही बल प्रयोग करेंगे साथ के साथ पूरे देश में, पूरे हरियाणा में, पंजाब में रोड जाम हो जाना चाहिए। अंतिम चेतावनी देने के लिए आए थे, देंगे। बैठ जाता हूँ एक मिनट शर्मा। हेलो, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में। हाँ जी, हाँ जी, खाली कर दो और वरना हम बल प्रयोग करेंगे। लाठी चार्ज का ऑर्डर देगा गए 5 मिनट बाद। अगर लाठी चार्ज करा तो पूरे हरियाणा में रोड जाम। जो बल प्रयोग करना है जम के करे, मार सकते हैं उतनी मारे, उतनी हमारी हड्डियां तोड़ सकते हैं उतनी तोड़े। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेंगे, जीतेंगे, मरेंगे, मरेंगे। देख लिया है देखेंगे, देख लिया है देखेंगे। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा सत्ता के नारों से। सबको नारा जोर से लगाना है, जब जब हाकिम चुनाव करेंगे सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेंगे, मरेंगे, मरेंगे, मरेंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अपनी पोस्ट जारी करें और हम भी मरने की जारी करें। साथियों, पानी, पानी, पानी की बशारे एकदम।